गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो ये आप देख सकते हो मेरी घर की छत पर कुछ ऐसा नज़ारा होता है सुबह के वक्त। आज अभी थोड़ी देर में धूप निकलने वाली है, पहले यहाँ पर धुंध थी जैसा कि आप देख ही सकते हो। अभी भी थोड़ी थोड़ी धुंध है यहाँ पर। और ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने लगाए हुए हैं। ये पहले पौधा ना मुरझा गया था लेकिन फिर से हो गया। और ये वाले कुछ फ्लावर्स हैं लेकिन इस पर पता नहीं क्यों गुलाब नहीं आ रहे हैं। वो येलो गुलाब का पौधा था और इस पर आने वाले हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए इसकी कली एक नज़र आ रही है। तो ये कुछ हैं मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, बस यही कुछ पौधे अभी मैंने लगाए हुए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो अभी 11:15 का टाइम हो चुका है, तो अभी तो मैं आपको गुड मॉर्निंग विश कर ही सकती हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हो मैं नहा भी चुकी हूँ, बच्चों को भी मैं नहला चुकी हूँ, खुद भी नहा चुकी हूँ। तो कितना अच्छा लगता है ना, वैसे घर का सारा काम हो जाए और नहाना वगैरह भी सब हो जाए, सच में बहुत अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा नजर आता है एकदम से। और आज की इस व्लॉग में एक खास बात भी है आपके लिए, इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आज का व्लॉग, और आई एम श्योर आपके लिए भी शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा व्लॉग को। तो अभी घर का सारा काम हो चुका है और राज भी आज घर पर ही है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए एक्चुअली शॉपिंग जाना है मुझे, घर का कुछ सामान भी लेना है, कुछ ग्रोसरी शॉपिंग भी है और कुछ और भी सामान लेना है। तो राज ने आज मुझे एक चैलेंज दिया है, कि क्या है वो चैलेंज, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बाल वगैरह सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी और उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। और उससे पहले मुझे जाना है, बच्चों को मंदिर वगैरह लेकर जाना है और मुझे पीर बाबा पर भी जाना है। मैं जाती रहती हूँ पीर बाबा के मज़ार पर, तो वहां पर जाना है। हमारे शहर में एक बहुत ही फेमस पीर बाबा है, तो जो भी करनाल से होंगे आई थिंक वो जानते ही होंगे, पक्के पुल वाले पीर बाबा जी हैं जो फेमस है बहुत ही ज्यादा, और दूर दूर से बहुत लोग दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए। सुबह का नजारा तो मैंने आपको दिखा दिया है, अब से थोड़ी देर पहले सुबह भी मैंने जो आपको व्यू दिखाया है अपने घर के छत से जो व्यू दिखाया है वो सुबह 8-9 बजे के आसपास का है, तब मैंने वो शूट किया था। और तब उस वक्त इतनी धुंध थी, बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन अभी बाहर धूप निकल चुकी है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, काफी गर्म दिन होने वाला है आज का। बहुत अच्छा लगता है ना, सर्दियों की धूप बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी हम जाएंगे और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं कहाँ कहाँ गई, तो चलिए फिर आप मेरे साथ देख लेते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना इन सब चीजों के दर्शन करवाते रहना जरूरी होता है, कि ताकि बच्चों में भी अच्छे संस्कार आए, अच्छी चीजें सीखे बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स से ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ऑफकोर्स पेरेंट्स ही सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाते हैं, पहली जो पाठशाला होती है ना बच्चों की वो घर ही होती है, और घर से ही बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं मंदिर वगैरह या पीर बाबा पर, जहां भी मतलब हम जिनको मानते हैं, तो मैं उन जगह पर जाती रहती हूँ। लाइक वो गुरुद्वारा हो, मैं अपने बच्चों को हर एक चीज के बारे में बताना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी बात हो, तो उनको मुझे ये चीजें दिखाना बताना अच्छा लगता है, ताकि वो उनके मन में कभी ऐसा ना आए कि हम सिर्फ इन मंदिर, मतलब अगर हम सिर्फ मंदिर में जाते तो मंदिर में ही जाए, गुरुद्वारे में जाते तो सिर्फ गुरुद्वारे में जाए, तो ये चीज उनके मन में ना आए। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है और मुझे यही अच्छा लगता है कि बच्चे मंदिर में भी जाएं, गुरुद्वारे में भी जाएं और पीर बाबा पर भी जाएं, क्योंकि मैं खुद इन सब चीजों को बहुत मानती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ, और राज भी बहुत बिलीव करते हैं इन सब चीजों में। तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं हमेशा चली जाती हूँ। जब भी हमें थोड़ा टाइम मिलता है राज और मैं अपने बच्चों को ऐसे आउटिंग के लिए बाहर लेकर जाते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। और उससे पहले एक और चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं गाँव से हूँ और घूंघट वगैरह नहीं करती हूँ, तो मैं बेशरम औरत हूँ। जी हाँ, मुझे काफी लोगों ने इंस्टा पे भी कुछ ऐसे वाहियात मैसेज आते ही रहते हैं, आपको पता ही है, तो कुछ लोगों ने बोला है। और जैसा कि मैं गांव से हूं, तो कुछ गांव के लोगों की भी ऐसी मेंटेलिटी होती है कि इनकी बहू अगर घूंघट नहीं करती है, मतलब शादी हो चुकी है तो अगर वो घूंघट नहीं करती है तो वो बेशरम औरत होती है, या उनको अकल नहीं होती है, या वो परिवार की इज्जत का ध्यान नहीं रखती है, ये सब चीजें उनके मन में आने लगती है। और मुझे समझ में नहीं आता कि घूंघट का इज्जत से क्या लेना देना है। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं घूंघट नहीं करती हूँ तो क्या इसका मतलब, अगर कोई लड़की घूंघट नहीं करती है तो मतलब वो बेशरम हो गई? तो ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे इन-लॉज ने या राज ने, मेरे फैमिली मेंबर में किसी ने भी मुझे कभी फोर्स नहीं किया है। जब से मेरी शादी हुई है तब से किसी ने कहा ही नहीं कि तुम घूंघट करो या तुम्हें घूंघट करना ही है, ऐसा कभी किसी ने फोर्स नहीं किया। और आप जानते हैं मैं हमेशा हर तरह की ड्रेसेस डालती हूँ, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो स्कर्ट हो, चाहे जो भी ड्रेस हो, मैं हर तरह की ड्रेसेस डालना पसंद करती हूँ। और राज ने भी कभी मुझे नहीं मना किया है, ना ही मेरी सासू माँ ने या मेरे
ससुर जी ने कभी भी मना नहीं किया इन सब चीजों के लिए, और मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ अपने आप को कि थैंक यू गॉड मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। गांव में रहने के बावजूद मुझे इतनी फ्रीडम है, इतनी छूट मिली है कि मैं अगर घूंघट नहीं भी करूं तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं है यहाँ पर कि तुम घूंघट नहीं करती हो। हाँ, लेकिन सिर पे दुपट्टा मैं हमेशा रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर पे दुपट्टा ये कोई ओल्ड फैशन वाली बात नहीं होती है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि सिर पे दुपट्टा नहीं रखती हो, घूंघट नहीं करती हो, तो मतलब ये कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर सिर पे दुपट्टा रखा है तो ओल्ड फैशन की हो, ये तो गांव से है ना तो इसलिए करते हैं। तो ऐसे लोगों की घटिया सोच है ना, तो वो घटिया ही रहेगी। ऐसे लोगों को तो मैं खैर नहीं समझा सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर कहती हूँ कि सिर पे दुपट्टा हम बड़ों की इज्जत के लिए ही रखते हैं, बड़ों की शर्म में रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम घूंघट करेंगे तो ही हम शर्म करेंगे, या घूंघट नहीं करेंगे तो हम बेशर्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है। और ना ही मैं अपनी फैमिली की अगर बात करूं तो मेरी जो भाभी हैं, दोनों भाभी हैं और भी मेरी मतलब काफी जो कजन्स में मेरी भाभी हैं जितनी भी, तो कभी भी उन्होंने सिर पे दुपट्टा भी नहीं रखा है, और ना ही कभी मतलब इन सब चीजों को मतलब फोर्स ही नहीं किया मेरी फैमिली में कभी भी किसी ने भी, चाहे वो मेरे ताया जी हो, चाहे मेरे मॉम डैड हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने भी उन्हें फोर्स नहीं किया कि तुम गले में चुनरी रखो या तुम दुपट्टा लो या तुम घूंघट करो। तो इन सब चीजों से बहुत मतलब आप खुद सोचिए कि अगर कोई औरत जॉब पे जा रही है, ड्यूटी पर जा रही है, कोई वुमेन मतलब वर्किंग है, तो वहां पर वो घूंघट में तो नहीं बैठेगी। मेरी मदर जो कि खुद बैंक में है, मेरे मम्मी बैंक में जॉब करते हैं, तो वो अगर घूंघट में रहेंगे तो वो कैसे जॉब करेंगे यार, आप खुद सोचिए ना। घूंघट में रखे तो वो बैंक के काम नहीं होने हैं ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि जरूरी नहीं है कि अगर औरतें घूंघट करती हैं तभी वो इज्जत का ध्यान रखती हैं, अगर घूंघट नहीं करती हैं तो वो बेशरम हो गई हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला था कि तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तुम घूंघट नहीं करती हो तुम। गांव के कुछ लोग हैं ऐसे मेंटालिटी जिनकी इतनी घटिया है, इतनी घटिया सोच है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए बैड कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों की सोच आप नहीं बदल सकते हो। कुछ लोगों ने बोला था कि तुम्हारे साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है, तुम घूंघट नहीं करती हो। तो मुझे एक बात बताइए कि जो औरतें बुरके में होती हैं या जो घूंघट भी करती हैं, तो क्या उनको लोग नहीं छेड़ते हैं? लोगों की सोच तो इतनी घटिया है ना, मैं क्या बताऊं। सच में बहुत गुस्सा आता है ये सब बातें सुन के। लोग छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं, छोटी बच्चियों को कौन सा घूंघट करवाएंगे आप, कौन सी साड़ी पहनवाएंगे उनको? लोगों की सोच इतनी घटिया है ना। अभी रिसेंटली जो हैदराबाद में कांड हुआ था, उसे सुन सुनकर जब भी जितनी बार मैंने वो न्यूज देखी मुझे रोना आता है, टेंशन होती है, क्योंकि मेरे घर में भी छोटी बच्चियां हैं, मेरी भतीजी है, मेरी भांजी है, मेरी बेटी है खुद की, तो बहुत टेंशन होती है, बहुत रोना आता है। जितनी बार मैंने उस न्यूज को देखा ना, उतनी बार मुझे रोना आया उस न्यूज को देखकर। लेकिन लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते, तो प्लीज बैड कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, मेरे मॉम डैड, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे घूंघट करने या ना करने से, तो आप कौन होते हैं बोलने वाले ये सब चीजें? मुझे समझ में नहीं आता सीरियसली। खैर, इस टॉपिक के बारे में मुझे और ज्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो आप भी सोचोगे वर्षा क्या बातें लेकर बैठ गई है। तो लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से कि घूंघट करना कितना जरूरी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मुझे मार्केट के लिए भी जाना है। तो यहाँ पर इस वक्त हम निकल चुके हैं घर से, रेडी हो चुकी थी मैं, और हम अब जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मंदिर जाऊँगी, उसके बाद पीर बाबा पर जाऊँगी। पीर बाबा के पास ही एक्चुअली मंदिर भी है वहाँ पर, तो पहले हम मंदिर में मथा टेकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये शिव जी और पार्वती जी का और काली माता का, सरस्वती जी का मंदिर है। यहाँ पर नीचे शिवलिंग जी हैं, यहाँ पर नीचे शिवलिंग है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर में, हमने मंदिर में मत्था वगैरह तो टेक लिया था, तो यहाँ पर अभी मिट्टू जिद कर रही थी, मिष्टी एक्चुअली, मिष्टी को मैं प्यार से मिट्टू ही बुलाती हूँ, उसका निकनेम घर पर मिट्टू ही है वैसे, तो उसे कुछ टॉयज़ वगैरह दिला रही थी। तो अभी हम वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज कि मैं यहाँ पर अभी सब्जी बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि व्लॉग नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ पर मैं आज अभी आलू मेथी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आते आते एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था गाइज, तो इसलिए टाइम लग गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सब्जी बना लूं। और सब्जी वगैरह मैं काट कर रख कर गई थी, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं सब्जी वगैरह काट कर फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूं, क्योंकि आजकल तो वैसे भी सर्दियां हैं तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है सब्जी वगैरह। तो जब भी मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं सब्जी हमेशा काट कर रख लेती हूं, और लहसुन वगैरह भी मैं स्टोर कर रख लेती हूं एक साथ, ताकि जब भी सब्जी बनानी हो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और सुबह जैसे कि आप सभी को पता है मैं कि 5 बजे उठती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखा देती हूँ लंच करने के बाद अपना सामान जो मैंने ख़रीदा है। तो ये देखिए, ये कुछ मैंने परचेजिंग की है गाइस 500 रुपीज़ में। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेजिंग की है 500 रुपीज़ में। और ये एक तरह से मेरे लिए चैलेंजिंग भी था काफ़ी, कि मैं सोच रही थी कि 500 रुपये में पता नहीं क्या सामान आएगा,
क्योंकि आजकल तो इतनी हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है एक छोटी सी। तो यहाँ पर मैंने एक ये हेयर बैंड लिया था क्यूट सा, उसके बाद मैंने ये नेल आर्ट परचेज़ किया था, ये 30 रुपीज़ का था नेल आर्ट, और इसे मैं कर दिखाऊँगी आपको बहुत जल्द। और ये मैंने फेक आईलैशेस ली थी। इसके बाद मैंने परचेज़ किया था ये ब्रश, ये वो वाला ब्रश है जिससे हम रोटी पर घी लगाते हैं। उसके बाद मैंने ये हुडा ब्यूटी का ब्रश परचेज़ किया था, ये ओवल ब्रश है, इसका रिव्यू बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी आपके साथ। वैसे गाइस मैं ये व्लॉग थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ, एक्चुअली इस व्लॉग में मैंने वॉइस ओवर करनी थी, मैं बहुत लेट कर रही हूँ क्योंकि ये ब्रश टूट भी गया था। इसके बाद मैंने एक और ऑनलाइन मंगवाया था, ये 60 रुपीज़ का ओवल ब्रश था, बहुत ही अच्छा था ये ब्रश, एक ही बार मैंने इसे यूज़ किया था। इसका रिव्यू करने वाली थी मैं, लेकिन उससे एक दिन पहले ये टूट गया, तो काफ़ी अच्छा था ये भी। और एक ये मैंने आईलाइनर परचेज़ किया, ये ADS का आईलाइनर है, ये आईलाइनर मुझे काफ़ी पसंद आया है, जेट ब्लैक आईलाइनर है, काफ़ी अच्छा है ये। इसका रिव्यू अगर देखना चाहते हो तो बताना मुझे कमेंट करके। तो ये कुछ इस तरीके से है, येलो और ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है, और ये भी 60 रुपीज़ में ही मुझे मिल गया था। इसके बाद मैंने ये लिया है हुडा ब्यूटी का प्राइमर, और ये भी 60 रुपीज़ के प्राइस में मैंने लिया था, और ये ओरिजिनल ही है, मतलब जो कि हम ऑनलाइन देखते हैं वही हुडा ब्यूटी का सेम प्राइमर है ये। मैंने वैसे फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है, मुझे इतने अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रहा था। नेक्स्ट ये ब्यूटी ब्लेंडर है, ये भी हुडा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर है, इसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया है और ना ही मैंने अभी तक इसे यूज़ किया है, तो काफ़ी सॉफ्ट लगा है वैसे, मुझे अच्छा लगा है ये, और ये भी मुझे ओरिजिनल ही लग रहा है। वैसे मैं इसे यूज़ कर जल्दी आपको बताऊँगी। वैसे मैंने जितने भी अभी तक लोकल मार्केट से परचेज़ किए हैं ना गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे निकले हैं सच में। और एक मैंने ये ग्रीन कलर का आईलाइनर परचेज़ किया था, ये भी 60 रुपीज़ के प्राइस में था। ज़्यादातर जितनी भी कॉस्मेटिक आइटम थी ना वहाँ पर, तो वहाँ पर 60 रुपीज़ के प्राइस में ही थी। मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर शूट करना अलाउड नहीं था, उन्होंने मना किया कि आप यहाँ पर शूट नहीं कर सकते, तो थोड़ा था मतलब चक्कर सिक्योरिटी वगैरह का, तो मैंने नहीं किया। एक मैंने ब्लू कलर का आईलाइनर भी परचेज़ किया था, दो आईलाइनर लिए थे। उसके बाद मैंने मैक का ये शिमर पाउडर है ये लिया था, ये मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल है क्या, यूज़ कर देखूँगी। वैसे अच्छा है, ठीक है, आपको अगर कोई भी 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ के मेकअप चैलेंज के लिए चाहिए तो अच्छा है प्रोडक्ट। ये भी 30 रुपीज़ के थे, तो एक 30 रुपीज़ का है, मतलब दोनों 60 रुपीज़ के थे, तो ये मैंने परचेज़ किया था। इसके बाद मैंने एक ये पोम जो होती है रबड़ बैंड थी, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सॉफ्ट थी गाइस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी ये, तो मैंने एक परचेज़ किया ये। और एक ये मैंने रेज़र परचेज़ किया, ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया, देखती हूँ इस्तेमाल करके कैसा है, ये भी 30 रुपीज़ का था। और एक मैंने ये लिया है, आप देख सकते हो, इससे गार्लिक वगैरह छीलने में मतलब काटने में आसानी रहती है। दो किचन टूल लिए थे मैंने, जैसा कि आप देख ही सकते हो, एक ब्रश लिया है यहाँ पर और एक ये वाला टूल लिया है, इसे मैं यूज़ कर देखूँगी तो बताऊँगी आपको। और ये भी 60 रुपीज़ के प्राइस में था। तो यही सब कुछ परचेजिंग की थी मैंने वहाँ पर। और हाँ, एक चीज़ और मैंने परचेज़ की थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, जिस पर नैपकिन वगैरह हम लटका सकते हैं किचन में, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो एक ये मैंने लिया था, ये भी 30 रुपीज़ के प्राइस में था। ज़्यादातर वहाँ पर जितनी भी आइटम थी 30 रुपीज़ या 60 रुपीज़ के प्राइस में थी। फेक आईलैशेस भी मुझे 30 रुपीज़ के प्राइस में मिली थी, तो टोटल मतलब ये 500 रुपीज़ के सामान था जो मैंने परचेज़ किया था, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही बस कुछ परचेजिंग की थी मैंने। और ये देखिए, ऊपर धूप निकल आई थी तो हम सभी मस्ती कर रहे थे, मैं अपने बच्चों के साथ आँख मिचोली खेल रही थी। मेरा जब भी मन होता है बच्चों के साथ खेलने का और बच्चों का मन होता है मेरे साथ खेलने का, तो हम दोनों ज़रूर खेलते हैं, राज और मैं। तो राज का कुछ फ़ोन आ गया था, वो नीचे चले गए थे फ़ोन सुनने के लिए, तो यहाँ हम सभी मस्ती कर रहे थे। और गाइस, आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में तो पेरेंट्स के पास वैसे भी टाइम नहीं होता है अपने बच्चों के लिए, मतलब कि वो अलग से इस तरह से गेम्स खेलें या कुछ उनके साथ कोई भी खेल खेलें। तो मेरा जब भी मूड होता है बच्चों के साथ खेलने का, बच्चों का मूड होता है मेरे साथ खेलने का, तो ज़रूर खेलती हूँ गाइस, आप भी जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील करते हो आप अपने बच्चों के साथ जब ऐसे खेलते हो। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी ये मस्ती, ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आपने कैसे लगे जो भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदे हैं वो आपको कैसे लगे, ये भी बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।